Hello friends welcome back to my youtube channel its name is pass coaching channel this is our part 9 of chapter 10 vector algebra today in this video we were going to discuss about the cross product or vector product in the previous video we were discussed the some caution later with the dot product and now what is a cross product or vector product let a and b are two vectors this is a, a vector this is a b vector and theta is the angle between a and b so now what is a cross b ए वैक्टर क्रोस बी वैक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर इनटू साइन थीटा यूनिट वैक्टर एन कैप जैसे हमने ए डॉट बी में किया था ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा इतना तक तो आपको यहां पे बस साइन थीटा आ गया साथ में एक्स्ट्रा यहां पे क्या है एक यूनिट वेक्टर एन कैप जो क्या है इस ए वैक्टर बी वेक्टर के क्या होता है पपेंडी होता है मैं बताती हूं अभी आपको कैसे यहां पे हमने क्या करना होता है आपने एक क्या होता है थम्ब रूल यूज करना होता है थंब रूल इन दी सेंस आपने क्या करना है अपना राइट हैंड का पाम लेना है ठीक है ना तो जब हम राइट हैंड पाम लेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है आपने जो राइट हैंड का पाम है उस वेक्टर के ऊपर रखना है जहां से स्टार्टिंग हो रही है और किसकी तरफ आपने पाम को क्या है फोल्ड करना है कर्व बनाना है जैसे ए से मैं बी की ओर जा रही हूं अब ये देखो मैंने ना पाम को यहां पे रखा है आपको एग्जैक्ट यहां पे दिख रहा होगा अब मैं इसको ऐसे एस, कर्व बनाऊंगी बिकॉज ए से बी जाने के लिए मेरे को अपना पाम ऐसे क्या करना पड़ेगा कर्व करना पड़ेगा तो इस पाम को जब मैं यहाँ पे रखूंगी ऐसे फोल्ड करूंगी तो जो मेरा थम्ब है ठीक है ना या तो वो आपका क्या आएगा आउटवर्ड या फिर आएगा इनवर्ड अगर आप एंटी क्लॉकवाइज करोगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज आपका एंगल बनना होगा शो जो आपका एंगल है मतलब जो आपका थंब होगा वो क्या होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा अगर यही बात हम करें कि हमारा जो जैसे मैं आपको बता दूं कुछ इस तरह से ये है ये ये बी वेक्टर अब ए से हमने क्या है बी की तरफ जाना है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा अब मैं पाम को इस तरह से रखूंगी राइट हैंड के अब मैंने फोल्ड किसकी तरफ करना है इस बी की तरफ करना है तो इस तरह से कर्व होगा अब जो मेरा थंब है वो क्या होगा इन डायरेक्शन में होगा ऐसे करके जब मैं ऐसे कर्व को करूंगी तो मेरा थम्ब क्या होगा इन डायरेक्शन में होगा अगर ऐसे करके कर्व को ऐसे करेंगे तो मेरा जो थम्ब है आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा जब आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा तब आपका जो ये होगा इसको हम यहाँ पे इस तरह से करते हैं ये होता है एक नॉर्मल वेक्टर जिसको एन यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं अगर यही आपका क्या होगा यहां पे दिखा देती हूं अगर यही हमारा जो है इनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ये नीचे की ओर होगा बिकॉज इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी ऑपोजिट हो जाएगी अब एक चीज देखना यहां पर जो ए मैग्नीट्यूड है आपका ये भी एक क्या देगा एक रियल नंबर वैल्यू देगा बी वेक्टर मैग्नीट्यूड भी एक रियल वैल्यू देगा साइन थीटा भी एक रियल वैल्यू देगा बट ये यूनिट वेक्टर होता है हमने किया हुआ है जब भी आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करते हो ऊपर ए वेक्टर खुद नीचे उसका मैग्नीट्यूड मतलब ये क्या होता है एक वेक्टर होता है मतलब जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बहुत होते हैं ये हमें देगा एक्चुअल में डायरेक्शन ये सभी हमें देंगे मैग्नीट्यूड और ये हमें देगा डायरेक्शन तो जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं वो चीज क्या बन जाती है एक्चुअल में वेक्टर बन जाती है दैट्स वाई इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट मतलब जो भी आपका आंसर आएगा वो वेक्टर की फॉर्म में आएगा मतलब आई जे के कंपोनेंट की फॉर्म में होगा एंड जो डॉट प्रोडक्ट होता था वो हमेशा एक रियल वैल्यू आती थी बिकॉज वो एक स्केलर प्रोडक्ट होता था मतलब कोई रियल नंबर आता था तो हमने लिख दिया थीटा क्या होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड जो डायरेक्शन हमें देता है जो एन वेक्टर हमें जो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देता है वो क्या होता है ये एक यूनिट वेक्टर इस तरह से है जो ए बी दोनों के क्या होता है पपेंडी होता है तो आपने ये याद रखना है ये आप डायग्राम इस तरह से जो हमारा ए बी वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा होगा और जो हमारा यूनिट डायरेक्टर डायरेक्शन वेक्टर होगा ये ए बी दोनों के पेंडिकुलर होगा ऑलवेज एंड थीटा एंगल ए बी के बिटवीन होगा अगर आपकी इनवर्ड मतलब अगर आपका जो यूनिट वेक्टर इनवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव में होगा अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव में होगा पाम के साथ आप राइट हैंड सिस्टम इसे राइट हैंड सिस्टम बोलते हैं तो राइट हैंड सिस्टम मतलब आप राइट हैंड के साथ आपने क्या करना है जैसे यहां पर है मेरा ठीक है ना अब मैं यहां पर हूं ठीक है अब मैंने क्या देखना है ये ए से हमने बी की बी मतलब इधर है मतलब

अब मैंने आपको बोला था अगर हम बी से ए की तरफ आएंगे ठीक है ना मतलब अब आपने क्या करना है जब बी है बी से एक की तरफ आना है मतलब जे मेरा बी का है हम पाम को क्या रखेंगे यहां पर रखेंगे अब हमने किसकी तरफ मोल्ड करना है इसको ए की तरफ मोल्ड करना है जब आप बी से एक की तरफ मोल्ड करोगे तब तो आपका थम क्या होगा इनवर्ड डायरेक्शन में होगा देन हमने बोलता है जो यूनिट वैक्टर होता है वो नीचे की ओर मतलब डायरेक्शन नेगेटिव जाती है तो यहाँ पे माइनस एन वैक्टर कैप आ जाता है दैट्स वाई जो बी क्रॉस ए वैक्टर होता है वो क्या होता है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन वेक्टर कैप का ए जो माइनस बाहर निकाल सकते हैं तो इसको अगर हम देखें मैग्नीट्यूड तो कोई फर्क नहीं पड़ता रियल नंबर है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ये ए क्रॉस बी वैक्टर है मतलब अगर यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख लें ठीक है ना बिकॉज ये रियल नंबर है दो तो इसको चाहे वन को टू इंटू टू इंटू वन लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये पूरा पूरा ए क्रॉस बी पे क्या पता चलता है कि चाहे आप ए क्रॉस बी करते हो बी क्रॉस ए करते हो वो सेम नहीं होते मतलब अगर आप उनकी शिफ्टिंग कर देते हो पहले को सेकंड सेकंड को फर्स्ट में कन्वर्ट करते हो तो जस्ट एक साइन का फर्क होता है जस्ट आपने क्या करना है अगर आप पहले को सेकंड से कर रहे हो फिर उसको सेकंड को फर्स्ट से करोगे तब आपका जो है अगर आपने जैसे मैंने ए क्रॉस बी किया आपने बी क्रॉस ए करना है ठीक है ना तो कुछ नहीं जस्ट आपने क्या करना है जो ए क्रॉस बी निकाला हुआ है उसके आगे क्या माइनस का साइन लगा दो तो आपका बी क्रॉस ए आ जाएगा नाउ सम रिलेटेड विद द क्रॉस प्रोडक्ट अब क्या है वेन द टू वैक्टर्स ऑफ पेंडिकुलर एंगल दोनों के बीच में पाई बाई टू बन रहा होगा तो हमारा जो ए क्रॉस बी हो जाएगा वो क्या होगा अब यहाँ पे क्या है साइन नाइनटी आ जाएगा साइन नाइनटी इन देंस साइन नाइनटी वन होता है तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या बन जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर यूनिट डायरेक्शन वेक्टर भी बोल सकते हो तो ये रिजल्ट बन जाएगा सेकंड अगर आपका ए क्रॉस बी प्रोडक्ट जीरो गिवन है अगर आपका ए क्रॉस बी जो प्रोडक्ट जीरो गिवन है इसके फिर दो रिजल्ट है या तो क्या होगा इन दोनों में से पक्का कोई ना कोई जीरो होगा इन दोनों में से पक्का कोई ना कोई जीरो होगा और देखो पूरी की पूरी वैल्यू इन तीनों पे डिपेंड है ये तो एक यूनिट डायरेक्शन वेक्टर है मतलब ये तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता तो बात इन तीनों पे डिपेंड है या तो फिर ये जीरो सकता है या ये जीरो सकता है या ये जीरो सकता है इन दोनों में से अगर कोई एक जीरो हो गया तो भी ये क्रॉस जीरो जाएगी या फिर क्या हो सकता है अगर साइन थीटा जीरो हो जाए हमें पता है साइन जीरो किस पे होता है साइन होता है एन पाई के मल्टीपल में या फिर आप कह सकते हो जीरो पे पाई वन एन जीरो, जीरो साइन टू पाई जीरो साइन थ्री पाई जीरो तो हम क्या रिजल्ट मिला अगर ए क्रॉस बी मतलब अगर दो की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो दोनों में से एक जीरो होगा या फिर जो एंगल है वो क्या होगा पाई का मल्टीपल जीरो पाई कुछ भी हो सकता है नाउ नेक्स्ट थर्ड अगर हमें दिए हुए हैं जो हमारे ए एंड बी वेक्टर है ए एंड बी वेक्टर वो क्या है यूनिट वेक्टर्स है यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो वन हो तो डायरेक्ट हमारा जो ए क्रॉस बी है वो और कुछ नहीं साइन थीटा डॉ इन एन कैप सिर्फ ये है, हमारा रह जाएगा बिकॉज इसमें तो आपका ये रह जाएगा मतलब अगर आपके दोनों जो यूनिट है तो आप डायरेक्ट ये पुट कर सकते हो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लू ठीक है ना तो मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड है वो ओनली साइन थी जाएगा क्यों बिकॉज एन कैप क्या यूनिट वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा वन होगा अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लूंगी तो मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड आएगा तो इसका तो वैल्यू वन हो जाएगी तो मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा होगा कब अगर ए एंड के बीवन आपको यूनिट गिवन है अब बारी आती है हमारे पास आई जे के मतलब जैसे मैं आपको बताती हूँ ये एक्स है ये वाई एक्सिस है ये आपकी जेड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास आई कैप होता है इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जे कैप इसके कॉरस्पॉन्डिंग के कैप अब हम इन, इनकी थोड़ी सी बोले लेते हैं नॉलेज कि एक्चुअल में इन तीनों का आपका रिलेशन में है क्या आपस में जैसे अगर आई क्रॉस जे निकालो जे क्रॉस के निकालो के क्रॉस आई निकालो हमें पता है जो आई जे के है ये तीनों क्या है यूनिट वेक्टर है मतलब आई कैप की वे जे कैप का मैग्नीट्यूड के कैप का मैग्नीट्यूड ये वन होता है अगर मैं इस पर फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो क्या होगा आई कैप ये कैप साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर है. अब ध्यान से देखना इसकी वैल्यू वन है इसकी भी वैल्यू वन है थीटा एन कैप अब हमें पता है ये क्या होता है म्यूचुअली पर्पेंडिकुलर होते हैं आपस में एक्स वाई जेड तो साइन मतलब यहाँ पे क्या जाएगा नाइनटी साइन नाइनटी हो गया वन तो इसका यहाँ पे क्या रहेगा एक्चुअली में यूनिट डायरेक्शन वेक्टर अब ध्यान से देखिए आई क्रॉस जे देखना आपने अगर हम देखें आई क्रॉस जे मतलब ये रहा मेरा आई कहाँ जाना है हमने जे की तरफ तो हम ऐसे पाम करेंगे तो मतलब हमारा जो थंब है आउटवर्ड की डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव आएगा अब इन दोनों के जो पेंडिकुलर यूनिट डायरेक्शन वेक्टर है वो कौन है के है इन दोनों के जो यूनिट डायरेक्शन वेक्टर है वो क्या है हमारा के कैप तो मतलब वन इंटू वन इंटू साइन नाइनटी डिग्री इंटू के कैप तो आई क्रॉस जे और कुछ नहीं क्या होता है के कैप होता है सिमिलरली जे क्रॉस के मतलब ये जे रहा हमारा और ये के हम ऐसे अब जाएंगे तो अभी थम्बा आएगा J क्रॉस K. सिमिलरली J मैग्नीट्यूड K मैग्नीट्यूड साइन 90 यहाँ पे देखो इन दोनों के पेंडिकुलर कौन है I. तो यहाँ पे I आ जाएगा सिमिलरली K और I के पे पेंडिकुलर कौन है यहाँ पे J कैप आ जाएगा अब देखिए अगर हमने उल्टा करना हो उल्टा इन सेंस आपने क्या करना है अब ये रहा मेरा I. ठीक है I क्रॉस K करना है हमने मतलब आई क्रॉस के ये रहा मेरा आई पे हमने पाम रखा अब अगर आई पे मैं पाम रखूंगी तो मैंने इस किस की तरफ फोल्ड करना के की तरफ मतलब ऐसे फोल्ड करूं तो जो मेरा थंब होगा वो आउटवर्ड नहीं इनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो मतलब अगर मैं आई क्रॉस केक कैप करूंगी अब देखो यहां पे था ना तो ऐसे मैं यहां पे करूंगी तो मेरा कहाँ पे होगा यहाँ पे मतलब क्या इनवर्ड इनवर्ड डायरेक्शन में अब देखो अगर आई क्रॉस केक करेंगे तो इसके जो पेंडिकुलर है यहाँ पे ये वाला आएगा ये वाला मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस मतलब माइनस जे वाला आएगा माइनस जे कैप ठीक है तो इसका मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूं आई कैप जे कैप के कैप आई कैप जे कैप के कैप अगर तो हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब ऐसे अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो मतलब ऐसे ठीक है ना तो क्या होता है एंटी वाइस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है और क्लोक डायरेक्शन में नेगेटिव अब देखिए क्या सर्कल ये सर्कल एक साइकिल होता है जैसे मैं अब देखो के क्रॉस के से आई की तरफ जा रहे हैं तो के क्रॉस आई क्या होगा के क्रॉस आई होगा आपका जो थर्ड वाला होता है मतलब जे कैप अब आई से कहा जा रहे हैं जे तो आई क्रॉस जो जे होगा आई क्रॉस जे में थर्ड कौन सा है के कैप आएगा फिर जे क्रॉस के जे से के तो वो थर्ड वाला आई आ जाएगा ये रहा बट अगर आप यही सिस्टम क्या करोगे क्लोकवाइज अब देखो आई से कहा जा रहे हैं के तो आई क्रॉस के क्या आएगा थर्ड वाला जे एक्टर बट वो कौन से साइंस के साथ आएगा नेगेटिव साइन के साथ आएगा तो मतलब आपने ये याद रखना है कि अगर आई क्रॉस जे जे क्रॉस के के क्रॉस आई मतलब ये तीनों अगर क्या है हमारा एंटी क्लोक और जैक्शन में है, तो कुछ नहीं आई क्रॉस जे यहाँ पे के आ जाएगा जे क्रॉस के में आई के क्रॉस आई में जे बट यही अगर आप इनको क्या कर दो इनकी डायरेक्शन चेंज कर दो क्लोकवाइज कर दो तो कुछ नहीं आता तो सेम रिजल्ट है बस फर्क सिर्फ किसका होता है डायरेक्शन नेगेटिव का तो ये माइनस के कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप बन जाता है अगर सेम हम बात करें आई क्रॉस आई की तो ये क्या हो जाएगा आई का कैप आई का कैप साइन थीटा आ, एन यूनिट डायरेक्शन वेक्टर अब ये तो मैग्नीट्यूड वन वन है वन इंटू वन इसका खुद के साथ कितना एंगल है जीरो तो मतलब ये क्या बन जाएगा जीरो इन टू एन क्या तो ये बन जाएगा जीरो तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि अगर आप सेम की क्रॉस प्रोडक्ट करते हो वो क्या हो जाता है जीरो हो जाता है सेम की डॉट प्रोडक्ट वन होती है सेम की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होती है तो आप इस साइकिल के साथ इन क्रॉस प्रोडक्ट की सेम और डिफरेंट की वैल्यू क्या है लर्न कर सकते हो बिकॉज ये आपको पूरे क्या इस जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बहुत काम आएगी ठीक है फ्रेंड्स नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट फर्स्ट आता है कमोटेटिव लॉ और कमोटेटिव प्रॉपर्टी हमें पता है अगर आपके पास कोई भी दो वैक्टर है इफ ए एंड बी आर एनी टू वैक्टर्स जैसे हमने पत किया हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट में दो जो वैक्टर्स होते हैं वो कम्यूट करते चाहे ए डॉट बी निकालो बी डॉट एव सेम होता है बट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए

चाहे आप कांस्टेंट जो नंबर स्केलर है उसको बाहर निकाल दो ए क्रॉस बी को पहले क्या करे सोल्व कर लो जो आंसर उसको एम के साथ मल्टीप्लाई कर दो चाहे आप बी वेक्टर को पहले एम के साथ मल्टीप्लाई कर लो जो आंसर उसको ए के साथ क्रॉस कर लो एम आपका नॉन जीरो स्केलर मतलब नॉन जीरो नंबर होना चाहिए कोई भी रियल नंबर तो यहां पे क्या पता चलता है कि स्केलर चाहे आप ए पे रखो बी पे रखो चाहे इसको बाहर निकालो तीनों का आंसर क्या आता है सेम ही आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है जब भी कभी दिखे निकलो बाहर निकाल दो डायरेक्ट पहले एक बी को सॉल्व कर लो जो आंसर होता है उसको एन के साथ तो मल्टीप्लाई कर दो थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव एस लॉ और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये सेटिसफाई नहीं करती है हमने किया हुआ है जो एसोसिएटिव लॉ है हमारा एसोसिएटिव लॉ हमारा वो तीन वेक्टर्स पे डिपेंड होता है मतलब चाहे आप फर्स्ट को सेकंड के साथ क्रॉस करो बाद में उसको थर्ड के साथ करो चाहे पिछले दो को करो उसको बाद में जो है फर्स्ट के साथ करो तो वो अगर इक्वल आते हैं तो उसे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना बोलते हैं बट हेयर इट डज नॉट होल्ड वेयर एबीसी कोई भी तीन वैक्टर लोगे तो आपका एसोसिएटिव लॉ जो है क्रॉस प्रोडक्ट में होल्ड नहीं करता टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेट वैक्टर जैसे आपके पास ए बी वैक्टर आपने क्रॉस बी निकालना है एक तो हमने आज जो ये वाला फॉर्म लगा के उसकी हेल्प से निकाल सकते हो अदरवाइज आप क्या कर सकते हो इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी सोल्व कर सकते हो आपने क्या करना है ऊपर तो आई जे के ऑलवेज फिक्स होंगे ही होंगे जब भी आपने क्रॉस फाइंड करनी है जहाँ पे जो आई जे के कॉम्पोनेट है फर्स्ट वैक्टर के पहले वो लिख दो फिर जो बी वैक्टर के कॉम्पोनेट है बी वन बी टू बी थ्री वो लिख दो इनका डिटर्मनेट सोल्व कर लो जो आंसर जाएगा वो आपका वैक्टर प्रोडक्ट आ जाएगा लास्ट जो आता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटर लॉ में हम क्या करते हैं एडिशन तो आता ही आता है जैसे हमने सेम किया था डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पे डॉट आ जाती है अब यहां पे क्या आएगा क्रॉस तो यह कहता है ए बी सी कोई भी तीन वैक्टर हो सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड हमने आज की वीडियो में क्या किया व्हाट इज अक्रॉस प्रोडक्ट सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट रिलेशन ऑफ आई जे के कॉम्पोनेंट सॉरी वेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सो so, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक के साथ और कुछ इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सो स्टे ट्यून फॉर दैट सो थैंक यू फ्रेंड्स बाय